हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपनी पूरी राजनीतिक विरासत चिराग पासवान को सौंप दी। रामविलास पासवान के बेहद खास और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान जी हमारे साथ हैं। सूरजभान जी, ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, एनडीए में से बाहर निकलना चाहते हैं या एनडीए में रहना चाहते हैं? हम तो एनडीए में ही रहना चाहते हैं। पूरे एनडीए जैसे कि अगर एक होकर लड़ेगा तो 200 सीट से ऊपर जैसे कि बिहार में आएगा, ये सब लोग कर रहे हैं। पर सवाल उठता है कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार जेडीयू के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इससे क्या नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, नफा नुकसान तो जैसे होता ही है, आवाज एक ऐसी चीज है, उनको समझ है कि हम जो बोल रहे हैं सो बिहार में जैसे ये नहीं हो रहा, आगाह कर रहे हैं, और इससे तो नुकसान कुछ तो वोटर पर हो ही रहा है। जो चीज बंद कमरा में होना चाहिए था, जैसे कि जो पब्लिकली बीच में नहीं, ये बंद कमरा में होना चाहिए, इससे तो पूरे एनडीए को नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि जैसे चिराग पासवान को नुकसान हो रहा है, भाजपा को हो रहा है या नीतीश जी को हो रहा है, पूरे एनडीए का हो रहा है। लेकिन फलट भी आया हो तो उसका आवाज उठाया, उसको बंद कमरा भी कहते, बिहार कोई नई जगह नहीं थी। कोरोना पूरे दुनिया में छा गया था, ये जरूर था कि हर चीज का जैसे इस चीज को कहते, लेकिन उन्होंने जैसे कहे, और नीतीश जी ने भी बहुत अच्छी तरह से प्रत्यय अमृत जी को बनाया, और कोरोना जांच जैसे 10,000 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाखों लोग होने लगे, ये सब तो मुद्दा ही जैसे कि अलग है। आपको लग रहा है कि कोई फॉर्मूला निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत हो नहीं रही है, आपके लिहाज से क्या फॉर्मूला हो जिससे कि बात बन जाए? मैंने फार्मूला तो 2-3 दिन पहले ही बता दिया कि ये फार्मूला के साथ पूरे एनडीए को बैठना चाहिए, और जब वातावरण बनता है तो ही अति करने का, नहीं बनता है तो हमने थे जैसे कि 16 तारीख को मीटिंग में हुआ कि नहीं अगर अति होता है तो 143 पर मंथन चल रहा है कि हम 143 पर उम्मीदवार उतारे। आपने रामविलास पासवान जी से भी बात की, क्योंकि आपका बहुत पुराना रिश्ता है, पार्टी को आगे बढ़ाने में आपका भी उतना ही योगदान है, तो रामविलास पासवान जी ने क्या कहा आपसे? देखिए, मैं झूठ नहीं कहूंगा, इधर सावा महीना से मुझे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी से, हम लोगों का गार्जियन है, उनसे हमको बातचीत नहीं हुई है इस मुद्दा पर, क्योंकि वे स्वास्थ्य के कारण हॉस्पिटलाइज हैं और किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, और ऐसी बीमारी है कि उनकी जो अवस्था है कि ये बीमारी का कहीं भगवान ने करे ऐसा हो कि अगर थोड़ा सा भी अंश उन पर पड़ेगा तो बहुत बड़ी चीज हम लोग खो देंगे पूरे देश, इसलिए हिफाजत से हॉस्पिटल में और किसी से नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो मैच्योर्ड नहीं है, अपरिपक्व है? इस चीज को तो आने वाला समय बताएगा, ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर नहीं है कि कहां चिराग पासवान जी है, कहां हमारे रामविलास पासवान जी, आसमान जमीन का तो सोच का अंतर होगा, क्योंकि उम्र के साथ ही आदमी परिपक्व होता है। ये बताइए सूरजभान जी कि ये जो लगातार बात चल रही है कि जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे, तो ये इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरा ये सोच जरूर है कि पूरी जेडीयू और भाजपा भी पूरी सम्मान दे लोजपा को, और एनडीए गठबंधन बरकरार रहे, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ही। आपको लग रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि सिर्फ जेडीयू के खिलाफ में चिराग पासवान उम्मीदवार उतारेंगे तो क्या यह संभव होगा? क्या राजनीति में आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है कि मेली कुश्ती 1 सीट 2 सीट 4 सीट पर होती है कि यहाँ किसी दल के बड़े लीडर प्रचार में नहीं जाएंगे इस तरह का, लेकिन सम्मान अगर चिराग पासवान को मिलेगा तो मुझे बुझाता है कि जैसे सब लोग, सब परिवार एक जगह बैठेंगे तो रास्ता हल निकल जाएगा। आपने फॉर्मूला दिया था कि 36 सीट एलजेपी को मिल जाए और बाकी सीटें वो लोग को मिल जाए, लेकिन ये एक अजब सा बयान आया है कि बीजेपी को अब यहां पर ज्यादा सीटों पर लड़नी चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो थी करने का, हम उन पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये आपके गृह मंत्री,
बहुत पहले कह चुके हैं जैसे कि किसको नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो अलग मुद्दा है। यहाँ मुद्दा है चिराग पासवान का, स्वाभिमान का, लोजपा के स्वाभिमान का, और सब परिवार जब बैठ जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मुद्दा हल हो जाएगा। परिवार जब एक जगह बैठता है, गीला सिकवा एक दूसरे के पास कहता है। पर सुभान जी, ये तो साफ दिख रहा है ना कि बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, जेडीयू के नेता ऑलरेडी हैं, पहले से मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान का कहना कि बीजेपी चाहे जिसे भी बना दे। अरे बिहार की जनता जिसे चाहेगा उसे बना देगा। सूरज भान जी, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, कुछ कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गहरी बात भी रख रहे हैं। वो जमाना था धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान, वो नारा था, और आज फिर से लोग उसी नारे को की तरफ देख रहे हैं। हालांकि वो अस्पताल में इसलिए बात नहीं हो पा रही है, पर सूरज भान जी ने अपना एक फॉर्मूला दे दिया है। चिराग पासवान को तय करना है कि आगे एनडीए में किन शर्तों पर रहना है। हमारे सहयोगी अवध के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।